आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिन्होंने 20 जुलाई को जो टेरिटोरियल आर्मी है प्रादेशिक सेना का फॉर्म भरा था उनका जो पेपर है 26 सितंबर को होने वाला है तो उसका एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है, वो अपना करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर रहे हैं उसके बाद भी जो है उनको इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोल रहा है। बहुत से लोग, यहाँ मैंने देखा कई वीडियो में देखा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जॉइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर, ये जो था ऑफिसर पोस्ट के लिए था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप नोटिफिकेशन अगर आपने इसका फॉर्म भरा है और आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। तो अभी मैं जो अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, सर्च बार में यहाँ पर इस तरीके से सर्च करना है TA एडमिट कार्ड, आपको लिखना है बड़े अक्षरों में यहाँ पर TA एडमिट कार्ड, इस तरीके से आपको लिख देना है TA एडमिट कार्ड और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये जो सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके सीधा जो है ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर जो है सेकेंड वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने जो है TA जो टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं आपको जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जो चल रहा है यहाँ पे, आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न एग्ज़ाम, इस तरीके से आप देख लेंगे जो रिटर्न एग्ज़ाम फॉर द PIB 2021 कैन बी डाउनलोडेड। ये एडमिट कार्ड जो है हमारे 2 तारीख को जो है इनकी तरफ से जो है रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो कैंडिडेट लॉग इन करके जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो चल रहा है इसको आप पढ़ लें तो आपका जो एडमिट कार्ड है आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो मैं यहीं से जो है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये 3 डॉट्स पे आपको क्लिक कर लेना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इस साइड को डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ है तो इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके टॉप में ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको करियर का, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो करियर का ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, तो आपको यहाँ पे जो है करियर के ऑप्शन पे यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पे ये करियर के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। करियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद जो सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है ज्वाइन एज एन ऑफिसर, तो आपको ये इस वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में आ जाना है, आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है लॉगिन, तो आपको यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो लोग लॉगिन कर रहे हैं उनको यहाँ पर यूज़र नेम इनवैलिड पासवर्ड इनवैलिड इस तरीके से बोल रहा है, काफ़ी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने जो अपना ईमेल आईडी डाल देना है। अभी यहाँ पे जो है मैं अपना ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अभी यहाँ पे अगर मैं साइन इन करता हूँ इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से आपको भी शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को जा रही है। तो अब आप यहाँ पे अगर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे बोलता है आपको आपका ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए। तो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आपको क्या ऑप्शन शो होगा। तो मैं यहाँ पर जो है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड अगर आप कर रहे हैं, आप अपना डिटेल भरने के बाद अगर इसको सबमिट करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे आपके सामने लिख के आता है कि आपका जो यहाँ आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली चेक योर ईमेल। अगर आप अपने ईमेल पे जाते हैं तो वहाँ इनबॉक्स में आपको कोई भी मेल नहीं भेजा जाता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आ रही है। तो अब इस प्रॉब्लम के बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये जो है बैक कर लेना है, बैक कर लेना है इस तरीके से आपको जो है बैक कर लेना है। दोस्तों आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी मांग रहा है आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है एंड पासवर्ड की जगह में आपको जो एंटर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे जो है ईमेल आईडी को एंटर कर लें। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड में कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना पुराना पासवर्ड नहीं डालना है, आपको यहाँ पासवर्ड के ऑप्शन में 123456 डाल देना है। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, पासवर्ड की जगह में आपको 123456 एंटर कर देना है। उसके बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कुछ डिटेल आपके सामने जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अभी तक जो था आपका इनवैलिड एलिमेंट बोल रहा था, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे सामने
जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है जो ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको यहाँ पे देख लेना है, आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एडमिट कार्ड का। इस तरीके से आप देख लेंगे, आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इजीली ये आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं डू यू वांट टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ से डाउनलोड पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप भी जो है इस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो सब्सक्राइब कीजिए राहुल जोन यूट्यूब चैनल को। बाजू में ये घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।